डियर चिल्ड्रेन, मैं दुलार चंदास स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, आप जिस पिक्चर को देख रहे हैं यहां पे फ्यूल जो है धरती से निकाला जाता है, फ्यूल जिसको हम हिंदी में ईंधन बोलते हैं। तो हम लोग कई सारी चीज़ें यूज करते हैं आज के डेट में, बिजली यूज करते हैं, बाइक यूज करते हैं और कुकिंग के लिए गैस यूज करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है फ्यूल ईंधन से हम मतलब ईंधन पर डिपेंड हैं, जीवन के कई सारे काम जो है इन फ्यूल पर निर्भर करता है। तो ये फ्यूल कहाँ से आते हैं, कैसे बने, इसके बारे में इसका क्या हिस्ट्री है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे इस चैप्टर में। आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यूनिट 5 है ट्रेवल, इसमें ट्रेवल के बारे में दिया हुआ है। ट्रेवल मतलब होता है यात्रा करना। और चैप्टर 5.1 है और चैप्टर का नाम है फ्यूल। फ्यूल का मतलब होता है ईंधन, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होता है किसी काम को करने के लिए। जब कहीं से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो जिस चीज़ से, जिस वस्तु से ऊर्जा प्राप्त होता है उसको फ्यूल बोला जाता है, ईंधन बोला जाता है। तो आइए हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। व्हाट इज ए फ्यूल, ईंधन क्या है? फ्यूल इज ए मटेरियल दैट प्रोवाइड्स एनर्जी ऑन बर्निंग। ईंधन एक पदार्थ है जो जलकर हमें ऊर्जा देती है। कॉमनली यूज्ड कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर ऑब्टेंड फ्रॉम द डिपॉजिट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट गोट ब्यूरिड इन सॉइल मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। सामान्य तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पौधों और जानवरों के अवशेष से प्राप्त होता है, जो लाखों साल पहले मिट्टी में दफन हो गए थे। दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स, इसे जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। कि कई सारे जीव जो है पेड़ पौधे मिट्टी के अंदर दब गए थे और उनसे ये सारे फ्यूल बने हुए हैं, इसीलिए इसको फॉसिल फ्यूल अर्थात जीवाश्म ईंधन कहते हैं। पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट गॉट ब्यूरिड अंडर सी बेड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। पेट्रोलियम पौधे और जानवरों के अवशेषों से बनी हुई, जो लाखों वर्ष पहले समुद्र तल के नीचे दब गए थे। पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड एंड इज रिफाइंड इन रिफाइनरीज टू गेट पेट्रोल, केरोसिन एंड डीजल। पेट्रोलियम निकाला जाता है और उसे रिफाइनरीज में रिफाइन करके पेट्रोल, केरोसिन और डीजल प्राप्त किया जाता है। फ्रॉम द रिफाइनरीज पेट्रोल एंड डीजल इज सप्लाइड टू डिपोट्स एंड देन टू पेट्रोल पंप्स। रिफाइनरी से पेट्रोल और डीजल को डिपो में और फिर पेट्रोल पंप में भेजा जाता है। पेट्रोल इज यूज टू रन लाइट व्हीकल्स लाइक स्कूटर्स, कार्स एंड थ्री व्हीलर्स। पेट्रोल का उपयोग हल्की वाहनों में उपयोग होता है, जैसे कि स्कूटर, कार और तीन पहिया वाहनों में। डीजल इज द चीप फ्यूल एज इट रिक्वायर्स लेस रिफाइनिंग। डीजल सस्ता ईंधन है, इसलिए इसे कम रिफाइन की आवश्यकता होती है। इट इज़ यूज इन हैवी व्हीकल्स लाइक ट्रैक्टर्स, बसेज, ट्रक्स, शिप्स इटीसी। यह भारी वाहनों में उपयोग होता है, जैसे कि ट्रैक्टर, बस, ट्रक, शिप इत्यादि। डीजल इज ऑल्सो यूज टू रन रेल इंजन्स एंड रेल कोचेस। डीजल का उपयोग रेल इंजन में भी उपयोग होता है। रेल कोचेस जो होता है, उसका बोगी जो होता है, वो रेल के साथ, उसके इंजन के साथ जुड़ा रहता है, तो इसको खींचने में डीजल सहायक होता है। डीजल इंजन जो होता है वो डीजल से ही चलता है। आगे देखते हैं। अदर फ्यूल्स यूज्ड इंक्लूड उपयोग किए जाने वाले अन्य ईंधन। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको शॉर्टकट में सीएनजी बोलते हैं। सीएनजी इज ए क्लीन फ्यूल एज इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी स्मोक एंड गिव्स हाई एनर्जी। सीएनजी एक स्वच्छ इंजन है क्योंकि यह कोई भी धुआं उत्पन्न नहीं करता और उच्च ऊर्जा देता है, मतलब हाई एनर्जी, काफ़ी तेज एनर्जी देता है यह। इट इज ऑफन कॉल्ड इको फ्रेंडली फ्यूल, इसे प्रायः पर्यावरण हितैषी ईंधन कहा जाता है। जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता, उस फ्यूल को इको फ्रेंडली बोला जाता है। सीएनजी इज यूज्ड एज फ्यूल इन ऑटो रिक्शाज एंड कार्स टू कंट्रोल पोल्यूशन। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ऑटो रिक्शा और कारों में ईंधन के रूप में सीएनजी का उपयोग किया जाता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको शॉर्ट में एलपीजी कहा जाता है, एलपीजी के नाम से लोग अधिक जानते हैं या प्रचलित है। एलपीजी इज यूज्ड इन होम्स फॉर कुकिंग। लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का उपयोग घरों में खाना पकाने के लिए किया जाता है। इट इज ऑल्सो इको फ्रेंडली, यह भी इको फ्रेंडली है, मतलब पर्यावरण हितैषी है। कोल इज ऑल्सो यूज एज फ्यूल, कोयले का उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। इट इज यूज एज फ्यूल इन फर्नेसेस एंड फैक्ट्रीज इन होम टू। इसका उपयोग चिमनियों, कारखानों
और घरों में भी ईंधन के रूप में किया जाता है। केरोसिन इज ऑल्सो यूज एज ए फ्यूल इन स्टोव्स फॉर कुकिंग। खाना पकाने के लिए स्टोव में ईंधन के रूप में भी केरोसिन का उपयोग किया जाता है। सिंथेटिक फ्यूल्स आर वेरी एक्सपेंसिव टू प्रोसेस एंड हैंस कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड ऑन ए लार्ज स्केल। सिंथेटिक ईंधन को बनाना बहुत महंगा है और इसलिए इसे बड़े पैमाने पर निर्मित नहीं किया जा सकता। दे आर मेड फ्रॉम बायोमास, कॉल, नेचुरल गैस, बिटुमिनस सैंड्स, ऑयल एंड सेल। वे बायोमास, कोयले, प्राकृतिक गैस, बिटुमिनस सैंड्स, तेल और सेल से बने होते हैं। व्हाट कैन यू डू टू सेव फ्यूल। आप ईंधन को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये सभी लोगों को बताया जा रहा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ईंधन हैं जो लिमिट है, वो आने वाले समय में समाप्त हो जाएंगे, इसीलिए हम लोग क्या इसके लिए उपाय कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है वॉक शॉर्ट डिस्टेंसेस, छोटी दूरी के लिए पैदल चलें। छोटी दूरी तय करने के लिए हम लोग पैदल चल सकते हैं। यूज बाईसाइकिल फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस लाइक द लोकल मार्केट। छोटी दूरी के लिए साइकिल का उपयोग करें, जैसे कि स्थानीय बाजार के लिए। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना है। कारपूल व्हेनेवर पॉसिबल, जब संभव हो कार कहीं पर खड़ा कर दें, इधर उधर लेके घूमना नहीं है। अगर मार्केट जाते हैं तो हर जगह मार्केट में जाना कार से मुमकिन नहीं है, या फिर आप हर जगह लेके कार को ना जाएं, एक जगह खड़ा कर दें और फिर मार्केट करने के बाद फिर अपने वाहन का उपयोग करें। गेट योर व्हीकल्स पॉल्यूशन लेवल चेक एट रेगुलर इंटरवल्स। अपने वाहन के प्रदूषण स्तर की नियमित समय पर जाँच करवाते रहें। पुट ऑफ द कार इंजन एट रेड लाइट, लाल सिग्नल पर कार का इंजन बंद रखें। यूज इको फ्रेंडली फ्यूल, पर्यावरण हितैषी ईंधन का उपयोग करें। रफ एंड टफ, रफ एंड टफ का अर्थ होता है रूखा और कठोर। इसको आम भाषा में हम लोग समझें, सामान्य कीमत का अधिक चलने वाला वस्तु, जो कम कीमत का वस्तु हो और ज़्यादा से ज़्यादा चल सके, उसको रफ एंड टफ बोलते हैं, कि रफ यूज करने के लिए। मैन इज एडवेंचरस बाय नेचर एंड द वंडर्स ऑफ नेचर हैव ऑलवेज फैसिनेटेड हिम। मानव स्वभाव से साहसी होता है और प्रकृति के चमत्कारों ने उसे हमेशा मोहित किया है। एडवेंचरर्स एंड एक्सप्लोरेशंस आर वे ऑफ टेस्टिंग ह्यूमन स्ट्रेंथ। जोखिम उठाने का साहस और जांच पड़ताल करने की गुणवत्ता, इसके द्वारा मानव शक्ति का परीक्षण होता है। आगे देखते हैं, व्हाट इज माउंटेनियरिंग, पर्वतारोहण क्या है, मतलब पहाड़ पर चढ़ना क्या है। माउंटेनियरिंग इज द स्पोर्ट ऑफ एक्टिविटी क्लाइंबिंग माउंटेन्स। पर्वत पर चढ़ना एक खेल जैसी गतिविधि होता है। माउंटेनियरिंग एज ए स्पोर्ट हैज बिकम पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। पर्वतारोहण एक खेल की तरह पूरी दुनिया में प्रचलित है। मेनी माउंटेनियर्स आर अट्रैक्टेड टू द हिमालयाज एज दे हैव टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट, द वर्ल्ड्स हाइएस्ट माउंटेन पीक, विच इज 8848 मीटर्स द सी लेवल। कई पर्वतारोही हिमालय के लिए आकर्षित होते हैं क्योंकि उन्हें दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत वाली चोटी पर चढ़ना होता है, जो समुद्र तल से 8848 मीटर ऊंची है। माउंटेन क्लाइंबिंग रिक्वायर्स कॉरेज, स्ट्रेंथ, एक्सपीरियंस, स्टेमिना एंड टेक्निकल एबिलिटी। पहाड़ पर चढ़ने के लिए साहस, शक्ति, अनुभव, सहन शक्ति और तकनीक क्षमता की आवश्यकता होती है। व्हाट थिंग्स आर required by the mountaineers to climb mountains। पर्वतारोहियों को पहाड़ पर चढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, यहाँ पे एक लिस्ट की तरह दिया गया है, इसको पढ़ने से पता चलेगा। कॉरेज, मोटिवेशन, फिजिकल फिटनेस एंड स्टेमिना, साहस, प्रेरणा, शारीरिक चुस्ती और सहन शक्ति। माउंटेनियरिंग बूट्स कॉल्ड क्रैम्पन्स, पर्वतारोहिन जूते, मतलब पहाड़ पे चढ़ने वाले जूते जो होते हैं उसको बोला जाता है क्रैम्पॉन्स। क्लाइंबिंग रॉप्स, वेस्ट, हार्नेस, आइस एक्स, स्लीपिंग बैग्स, टेंट्स, स्लाइंग्स इटीसी। चढ़ाई वाली रस्सी, कमर कवच, बर्फ कुल्हाड़ी, सोने वाली बैग, टेंट, गलपट्टी इत्यादि, इन सारी चीज़ों की आवश्यकता होता है एक पहाड़ पर चढ़ने वाले व्यक्ति को। इसके अलावा और भी चीज़ें दिया हुआ है, लाइट वेट थर्मल क्लॉथिंग, वाटरप्रूफ जैकेट, टॉर्च, फर्स्ट एड किट, वाटर बॉटल, लाइट वेट थर्मल ग्लोव्स, टॉयलेटरीज, मैप, स्पेयर क्लोथिंग, इमरजेंसी फूड सप्लाई इटीसी, इन सारी चीज़ों की जरूरत पड़ता है। हल्के वजन थर्मल कपड़े, वाटरप्रूफ जैकेट जिसमें पानी ना लगे, टॉर्च, प्राथमिक उपचार किट, फर्स्ट एड बॉक्स जो होता है,
पानी का बोतल, हल्के वजन के थर्मल दस्ताने, मैप, स्पेयर कपड़े मतलब अतिरिक्त कपड़े, और इमरजेंसी फूड मतलब आपातकालीन भोजन, और भी बहुत सारी कई चीज़ें होती हैं जिसकी ज़रूरत पड़ता है। कम से कम यहाँ पे जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको बतलाया गया है। हु इज़ बचेंद्री पाल? बचेंद्री पाल का नाम काफ़ी मशहूर है, आप लोग ज़रूर जानते होंगे, यहाँ पे उसके बारे में दिया हुआ है। बचेंद्री पाल वॉज द फर्स्ट इंडियन वोमेन टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट इन 1984। बचेंद्री पाल 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। प्रियर टू दिस सी अल्सो क्लाइंब्ड द गंगोत्री एंड रुद्रगिरिया पिक्स। इससे पहले वह गंगोत्री और रुद्रगिरिया चोटियों पर भी चढ़ गई थी, मतलब चढ़ चुकी थी। ब्रीफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ बचेंद्री पाल, शॉर्टकट में उसकी आत्मकथा के बारे में बताया गया है बचेंद्री पाल का। बचेंद्री पाल वॉज बॉर्न इन उत्तराखंड, बचेंद्री पाल का जन्म उत्तराखंड में हुआ था। सी क्लाइंब्ड एन अल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर्स एट द एज ऑफ 12। 12 साल की उम्र में 4000 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ाई की थी। सी वॉज एम ए इन संस्कृत एंड गॉट बीएड डिग्री, वह संस्कृत में एमए और बीएड की डिग्री प्राप्त की थी। सी ज्वाइन नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग वेयर सी वॉज जज बेस्ट स्टूडेंट, वह नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में शामिल हुई जहाँ उन्हें सबसे अच्छी छात्रा माना गया था। सी कॉन्क्यूड माउंट एवरेस्ट इन 1984 एंड हॉस्टेड आवर नेशनल फ्लैग ऑन इट, उसने 1984 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर जीत हासिल की और हमारे राष्ट्रीय ध्वज को वहाँ पर फहरा दिया। सी हैज़ बीन अवार्डेड पद्मश्री एंड अर्जुन अवार्ड, उन्हें पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संतोष यादव इज द ओनली वोमेन इज द वर्ल्ड टू हैव क्लाइम्ब द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। संतोष यादव दुनिया की एकमात्र ऐसी महिला है जिन्होंने दो बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। राइड ऑन ए स्पेसक्राफ्ट स्पेस ट्रेवलर्स, अंतरिक्ष यान पर यात्रा करना या अंतरिक्ष यात्री, जो व्यक्ति स्पेसक्राफ्ट से स्पेस की यात्रा करते हैं उसे स्पेस ट्रेवलर कहा जाता है, अंतरिक्ष यात्री कहा जाता है। हैव यू एवर हियर्ड ऑफ पीपल ट्रेवलिंग इन स्पेस, क्या आपने कभी अंतरिक्ष यात्रा करने वाले लोगों के बारे में सुना है? ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज वंडर्ड अबाउट हेवनली बॉडीज एंड द आउटर स्पेस, मानव प्राणी हमेशा आकाशीय पिंडों और बाहर अंतरिक्ष में आता जाता रहा है। दे हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू नो अबाउट मिस्टीरियस स्काई, वे हमेशा से रहस्यमय आकाश के बारे में जानने को उत्सुक था। दिस हैज मोटिवेटेड देम टू ट्रेवल टू स्पेस, इसने उन्हें अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए प्रेरित किया है। साइंस हैज हेल्प्ड मैन टू ट्रेवल इनटू स्पेस इन ए स्पेसक्राफ्ट, विज्ञान ने अंतरिक्ष यान के द्वारा अंतरिक्ष की यात्रा करने में मनुष्य की मदद की है। द फर्स्ट स्पेस फ्लाइट मेड बाय मैन वॉज ऑन 12 अप्रैल 1961, 12 अप्रैल 1961 को मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यान बनाई गई थी। इट वॉज मेड बाय यूरी गागरिन ए सोवियत कॉस्मोनॉट हु ऑर्बिटेड द अर्थ इन द स्पेसक्राफ्ट वोस्टोक 1। यह यूरी गागरिन द्वारा बनाया गया था। वह एक रूसी अंतरिक्ष यात्री था जिसने अंतरिक्ष यान वोस्टोक 1 से पृथ्वी की परिक्रमा की थी। यहाँ पे जो पिक्चर दिया गया है यूरी गागरिन का, वैलेंटिना ट्रेस्कोवा, नील आर्मस्ट्रांग। वैलेंटिना ट्रेस्कोवा वॉज द फर्स्ट वोमेन टू गो इन टू स्पेस, वैलेंटिना ट्रेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। ऑन 20 जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रांग लैंडेड ऑन मून इन ए स्पेसक्राफ्ट नेम्ड अपोलो 17। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग अपोलो 17 नामक अंतरिक्ष यान से चांद पर उतरे थे। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ट्रेवल इन स्पेस, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन था? स्क्वाड्रॉन लीडर राकेश शर्मा वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ट्रेवल इन स्पेस, अपने समूह का नेतृत्व करने वाला राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। ही ट्रेवल्ड विथ टू मोर कॉस्मोनॉट्स ऑन सोयूज TII स्पेस क्राफ्ट ऑन 3 अप्रैल 1984। उन्होंने 3 अप्रैल 1984 में सोयूज TII अंतरिक्ष यान में दो और अंतरिक्ष यात्री के साथ यात्रा की। ही वॉज अवार्डेड द अशोक चक्र फॉर हिज अचीवमेंट, उन्हें उनकी उपलब्धि के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था।
आगे दिया हुआ है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन बॉर्न वोमेन टू गो इन टू स्पेस, कौन भारत में जन्मी प्रथम महिला अंतरिक्ष में गई। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन बॉर्न वोमेन टू गो इन टू स्पेस ऑन 19 नवंबर 1997। कल्पना चावला 19 नवंबर 1997 को अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। ऑन हर सेकेंड मिशन इन जनवरी 2003 शी वॉज किल्ड विथ 6 अदर एस्ट्रोनॉट्स ड्यू टू मिसअप ऑफ द स्पेस शटल वाइल इट वॉज री एंट्रिंग इन द ऑर्बिट एंड वॉज अबाउट टू लैंड ऑन अर्थ। अपने दूसरे मिशन जनवरी 2003 में एक दुर्घटना में 6 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ मारी गई जबकि पृथ्वी में उतरने ही वाली थी। ये घटना जिस समय हुआ था उसमें हम लोग जानते हैं, वो अचानक से जब उतरने ही वाली थी और उनका जो स्पेस था वो फ्लेम कर गया, जल गया अचानक। इसके बारे में यूट्यूब में और भी वीडियो बने हुए हैं तो आप उसको देख सकते हैं। सुनीता विलियम इज द अनदर इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट हु हैज़ गॉन इन टू स्पेस। सुनीता विलियम्स एक अन्य भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री है जो अंतरिक्ष में गई है। ओल्डेस्ट बिल्डिंग्स हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, सबसे पुरानी इमारतें और ऐतिहासिक स्मारक। इंडिया हैज़ ए रिच हिस्टोरिकल पास्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, भारत में समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत है। आवर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स आर यूनिक ब्लेंड ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन एंड इरानियन स्टाइल्स एंड आवर अवन नेटिव स्टाइल्स। हमारी ऐतिहासिक इमारतें यूरोपीय और ईरानी शैलियों और हमारी अपनी मूल शैलियों के प्रभाव का अनूठा मिश्रण है। दिस बिल्डिंग्स एंड मोनूमेंट्स नैरेट स्टोरीज ऑफ पास्ट, ये इमारतें और स्मारक अतीत की कहानियाँ सुनाते हैं। सो दे मस्ट बी प्रिजर्व्ड कंजर्व्ड एंड रिस्टोर, इसीलिए इसे संरक्षित सुरक्षित और नवीनीकरण किया जाना चाहिए, इसे हमें बचा कर रखना चाहिए, ये हमारी धरोहर हैं। दिस बिल्डिंग्स आर मेंटेन्ड बाय आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, शॉर्ट में इसको बोलते हैं। इन इमारतों का रखरखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स आर साइलेंट विटनेसेस ऑफ आवर ग्लोरियस पास्ट, ऐतिहासिक इमारतें हमारे गौरवशाली अतीत की मुख गवाह हैं। मतलब ये गवाह हैं जो सिर्फ देखकर ही हमें पता चलता है कि हमारा हिस्ट्री कितना ग्लोरियस था, कितना गौरवशाली था। दिज बिल्डिंग्स हैव बीन डिक्लेयर्ड एज पब्लिक प्रॉपर्टी बाय द गवर्नमेंट एंड नॉन एज हेरिटेज बिल्डिंग्स, इन इमारतों को सरकार द्वारा सार्वजनिक संपत्ति के रूप में घोषित किया गया है और विरासती इमारतों के रूप में जाना जाता है। ताजमहल, ताजमहल दुनिया में प्रसिद्ध है, ये 7 आश्चर्य में से एक इसे माना जाता है। इट इज़ वन ऑफ द 7 मॉडर्न वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, यह दुनिया के 7 आधुनिक अजूबों में से एक है। दिस मोनूमेंट वॉज बिल्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना इन आगरा बाय द मुगल एम्पायर शाहजहां इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल। यह स्मारक मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में आगरा में यमुना नदी के तट पर बनाया गया था। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन पर्शियन इंडियन एंड इस्लामिक स्टाइल एंड डिजाइन बाय ए पर्शियन आर्किटेक्ट, यह फारसी भारतीय और इस्लामिक शैली में बनाया गया था और एक फारसी वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया था। सन टेम्पल, जिसे हम लोग सूर्य मंदिर कहते हैं, सन टेम्पल इज सिचुएटेड एट कोणार्क इन ओडिशा एंड बिल्ट बाय गंगा किंग नरसिम्हादेव वन इन द 13th century। सूर्य मंदिर उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है और यह 13वीं सदी में गंगा राजा नरसिम्हादेव प्रथम द्वारा बनाया गया था। द टेम्पल शोज द कैरियोट ऑफ द सन गॉड पुल्ड बाय 7 कर्व्ड हॉर्सेस रिप्रेजेंटिंग 7 डेज ऑफ द वीक, यह मंदिर सप्ताह के 7 दिनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 7 नकाशीदार घोड़ों द्वारा खींचे जा रहे सूर्य भगवान के रथ को दिखाता है। दिस मोनूमेंट इज नोन फॉर इट्स स्प्लेंडिड आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर ऑफ गॉड्स गॉडेस एंड एनिमल फिगर्स विथ फ्लोरल एंड ज्योमेट्रिक डिजाइंस, यह स्मारक
अपने शानदार वास्तुकला और देवी देवताओं और जानवरों की मूर्तियां ज्यामितीय डिजाइन के रूप में जाना जाता है। इसके आगे देखते हैं इंडिया गेट। इंडिया गेट हमारे देश में काफ़ी फेमस है, जो दिल्ली में है। इसके बारे में बताया गया है, तो हम लोग इसको पढ़कर जानते हैं। इंडिया गेट वॉज बिल्ट इन 1931 एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट फॉर सोल्जर्स ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हु डेड वाइल फाइटिंग द इनिमीज इन वर्ल्ड वार वन। इंडिया गेट 1931 में भारतीय सशस्त्र बलों के सैनिकों को सम्मान देने के लिए बनाया गया था, जो प्रथम विश्व युद्ध में दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। इट इज लोकेटेड एट राजपथ इन न्यू दिल्ली। यह नई दिल्ली में राजपथ पर स्थित है। इट वॉज डिजाइन बाय सर एडमिन लुटियंस। इसे सर एडमिन लुटियन ने डिजाइन किया था। इट हैज़ बिकम द साइट ऑफ द इंडियन आर्मीज टॉम ऑफ द अननोन सोल्जर्स नोन एज द अमर जवान ज्योति। यह अमर जवान ज्योति के रूप में ज्ञात और अज्ञात सैनिकों के मकबरे का स्थान बन गया है। कुतुब मीनार, ये भी दिल्ली में स्थित है, काफ़ी प्रचलित है। इसके बारे में क्या दिया हुआ है? द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार वाज स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इन 1193 एंड कंप्लीटेड बाय हिज सक्सेसर इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी में शुरू किया था और उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था। दिस मोनूमेंट इज 72.5 मीटर हाई एंड हैज 379 स्टेप्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यह स्मारक 72.5 मीटर ऊंचा है और इसमें ऊपर से नीचे तक 379 सीढ़ियां हैं। देर इज ए फेमस आयरन पिलर नियर कुतुब मीनार विच इज ए फाइन स्पेसिमेन ऑफ इंडियन मेटल वर्क। कुतुब मीनार के पास एक प्रसिद्ध लोहे का स्तंभ है, जो भारतीय धातु के काम का एक अच्छा नमूना है। दिस पिलर रिमेंस स्मूथ एंड अनरस्टेड इन स्पाइट ऑफ इट्स एक्सपोजर टू रेन एंड स्टॉर्म ओवर द ईयर्स। यह स्तंभ बारिश और तूफान के संपर्क में रहने के बावजूद वर्षों से चिकना और जंग रहित बना हुआ है। अजंता एंड एलोरा केव्स, अजंता और एलोरा की गुफाएं, ये काफ़ी फेमस है, लोग इसको देखने के लिए जाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। द अजंता एंड एलोरा केव्स आर सिचुएटेड एट औरंगाबाद महाराष्ट्र। अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। औरंगाबाद एक बिहार में भी है, इसीलिए यहाँ पे महाराष्ट्र लिख दिया गया है, एक औरंगाबाद महाराष्ट्र में भी है। दिस आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर विच वॉज बिल्ट बाय द पलावाज हु रूल्ड देयर। ये रॉक कट वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है, जो पल्लवों द्वारा बनाए गए थे जिन्होंने वहाँ शासन किया था। बोथ द केव्स हैव एन इंटरेस्टिंग मिक्स ऑफ स्क्रिप्चर्स फ्रॉम हिंदूज बुद्धिस्ट एंड जैन फेथ्स। दोनों गुफाओं में हिंदू बौद्ध और जैन धर्मों के धर्म ग्रंथों का दिलचस्प मिश्रण है। द सांची स्तूपा, सांची स्तूप के बारे में दिया हुआ है। द स्तूपा इज ए बुद्धिस्ट प्लेस ऑफ वर्शिप। यह स्तूप एक बौद्ध पूजा स्थल है। इट इज़ इन मध्य प्रदेश। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची स्तूपा बिल्ट बाय एम्पायर अशोका इन द 3rd century BC इज वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ स्तूपा आर्ट। 3rd शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सांची स्तूप स्तूप कला के सर्वश्रेष्ठ नमूनों में से एक है। यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है। यहाँ पे यह क्वेश्चन दिया हुआ है इस चैप्टर का, आंसर द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जो ये मुख्य क्वेश्चन है इस चैप्टर का। उसके बाद 2 नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, 3 नंबर में ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, 4 नंबर में यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल देने के लिए कहा जा रहा है। ये 5 नंबर में मैच द फॉलोइंग, 6 नंबर में कुछ क्लू दिया गया है और उसके अनुसार हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स का नाम बतलाना है, 7 नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है और चूज द करेक्ट आंसर 8 नंबर में दिया हुआ है। 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ तक दिया हुआ है और इसके बाद 9 नंबर में फिर से मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, जिसमें काफ़ी सारा क्वेश्चंस दिया हुआ है। आइए मैं आप लोगों को इन सारे क्वेश्चन को बना के दिखाता हूँ। यह चैप्टर 5.1 का क्वेश्चन आंसर, आंसर द फॉलोइंग। हाउ कैन वी हेल्प टू सेव फ्यूल? वी कैन सेव फ्यूल इन द फॉलोइंग वेज। वॉक शॉर्ट डिस्टेंसेस, यूज साइकिल फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस लाइक द लोकल मार्केट, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट,
Put off the car engine at red light. Use eco-friendly fuel. What are synthetic fuels? Synthetic fuel is a liquid fuel, sometimes gaseous fuel, obtained from biomass, coal, natural gas, bituminous sands, oil, and shale. Write the activity of climbing mountains. Mountaineering is the activity of climbing mountains. Many things are required by the mountaineers. They require courage, strength, experience, stamina, technical ability, etc. Write the name of a vehicle used to travel in space. These spacecrafts are used to travel in space. The first spacecraft was Vostok 1. Neil Armstrong landed on Moon in a spacecraft named Apollo 17. Rakesh Sharma traveled on Soyuz TII spacecraft. Who was the first woman to go into space? Valentina Tereshkova was the first woman to go into space. Question number 2 में fill in the blanks दिया हुआ है और इसमें इसका आंसर डाइट दिया हुआ है, आप इसको देखकर अपने बुक में भर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में ट्रू फॉल्स दिया हुआ है और इसका भी आंसर यहां पे दिया हुआ है, आप इसको देखकर अपने बुक में ट्रू फॉल्स लगा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में 2 एग्जांपल्स देने के लिए कहा गया है और इसमें 2 एग्जांपल्स दिया हुआ है, इसका आंसर दिया हुआ है, आप इसको देखकर अपने बुक में लिख सकते हैं. और क्वेश्चन नंबर 5 में मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, इसका भी डायरेक्ट यहां पे आंसर दिया हुआ है, आप इसको देखकर अपने बुक में मैच कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ क्लू दिया हुआ है और उस क्लू को पढ़कर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स का नाम लिखना है, तो यहां पे उसका आंसर दिया गया है, आप इसको देखकर अपने बुक में लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 में फिल इन द ब्लैंक्स फिर से दिया हुआ है और इसका भी आंसर यहां पे है, आप इसको देखकर अपने बुक में भर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 में चूज द करेक्ट आंसर दिया गया है, तो उसका डायरेक्ट आंसर यहां पे दिया गया है. 9 में मैच द फॉलोइंग दिया गया है, उसका भी आंसर दिया हुआ है, तो आप इस सबको देखकर अपने बुक में आंसर लिख सकते हैं. यहां पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो जाता है. अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से थोड़ा भी मदद मिलता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. और अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं.